एनालिसिस करेंगे इक्विटी मार्केट का। इक्विटी मार्केट के अंदर लास्ट 1 वीक 10 दिन का परफॉर्मेंस कैसा रहा, आइए चलते हैं देखते हैं। एक बाई सिग्नल था निफ्टी के अंदर, बाई के पहले देखते हैं तो बाई सिग्नल के पहले अपर साइड लुकआउट ट्रायंगल था, इसलिए बाई सिग्नल कंफर्म था। उसके बाद उसने 5 बार बोला है पोजीशन होल्ड करिए, पोजीशन होल्ड करिए, पोजीशन होल्ड करिए, पोजीशन होल्ड करिए। तो ये मेन हमारा एडवांटेज है कि कितना मार्केट ऊपर जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे आपको सपोर्ट देता जाता है, डोंट वरी योर होल्ड योर पोजीशन। अब बाई यहाँ कंफर्म हो गया, अगर सीट नंबर 2 में जाकर वेरिफिकेशन करते हैं तो वहाँ भी सभी कंडीशन ग्रीन में है, मतलब कि दोनों सीट के मुताबिक बाई सिग्नल है वो कंफर्म है, काफ़ी मार्केट ऊपर गया। सेल सिग्नल है कंफर्म है, क्योंकि सेल के पहले डाउन साइड एरो है, यहाँ भी एक बार होल्ड करवाया, यहाँ से आपको एग्जिट करवाया। अगर यहाँ से ये एग्जिट का पॉइंट नहीं आता है तो आपको बाई पर पोजिशन एग्जिट करनी पड़ेगी। बाई सिग्नल था उसके पहले का, बाई भी कंफर्म था, 2 बार बोला होल्ड करिए होल्ड करिए और यहाँ से आपका एग्जिट हुआ। अगर ये एग्जिट पॉइंट यहाँ नहीं आया है तो सेल पर आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। बैंक निफ्टी के अंदर देखते हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर बाई सिग्नल था, 3 बार उसने बोला पोजिशन होल्ड करिए होल्ड करिए होल्ड करिए, काफी मार्केट ऊपर गया। सेल सिग्नल था कंफर्म था और यहाँ से एग्जिट हुआ, अगर यहाँ नहीं होता है तो बाई सिग्नल पर आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। बाई के पहले अपर साइड एरो था, ये भी कंफर्म था, काफ़ी मार्केट ऊपर गया। अगर यहाँ से ये कंफर्मेशन एरो नहीं है तो सीट नंबर 2 में जाकर वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ देखिए सभी कंडीशन ग्रीन में है, मतलब कि बाई सिग्नल कंफर्म है, थोड़ा बहुत पॉइंट लेकर आप निकल जाइए। अगर नहीं निकलना है तो यहाँ से एग्जिट करिए या फिर सेल पर एग्जिट कर लेना चाहिए। बाई सिग्नल है गलत है तो आपको ट्रेड करना नहीं है, क्योंकि सेल के पहले कोई डाउन साइड एरो नहीं है। जुबल फूड के अंदर बाई सिग्नल है, बाई के पहले देखिए तो बाई के पहले अपर साइड एरो बना है, 1 बार उसने बोला कि पोजीशन होल्ड रखिएगा, मार्केट ऊपर की साइड है और अभी देखिए तो टॉप हाई लगा रहा है मार्केट के अंदर, तो काफी मार्केट अच्छा चला इसके अंदर। SBFC के अंदर देखते हैं तो बाई सिग्नल था कंफर्म था, क्योंकि बाई के पहले देखिए अपर साइड एरो था और बार बार बोल रहा है पोजीशन होल्ड रखिए होल्ड रखिए होल्ड रखिए होल्ड रखिए होल्ड रखिए, ये आपको सपोर्ट देता जाता है। आप मैक्सिमम प्रॉफिट दिलवाकर अगर सेल आता है तो सेल पर एग्जिट करना है, डाउन साइड एरो आता है तो डाउन साइड पर आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। टाटा मोटर्स के अंदर अभी बाई सिग्नल चल रहा है, जो कि बाई सिग्नल गलत है और उसके पहले का सेल था, सेल कंफर्म था और थोड़े पॉइंट का लॉस करवाकर इस सिग्नल के अंदर आपको एग्जिट करवाया है, तो नो डोंट वरी, इसमें थोड़ा बहुत कभी लॉस हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा नेक्स्ट सिग्नल आता है तब आप उसके अंदर काम करिए। टाटा स्टील के अंदर सेल सिग्नल चल रहा है, कंफर्म वाला है, क्योंकि सेल के पहले डाउन साइड एरो है, अभी चल रहा है। उसके पहले का बाय गलत है, सेल गलत है, बाय गलत है, तो तीनों के तीनों सिग्नल के अंदर आपको इग्नोर करना है, इसके अंदर काम नहीं करना है। हिंडालको के अंदर बाई सिग्नल चल रहा है, कंफर्म वाला है, क्योंकि बाई के पहले अपर साइड एरो है और 2 बार उसने बोला होल्ड करिए होल्ड करिए और अभी चल रहा है। अगर कभी डाउन साइड एरो आए या फिर सेल सिग्नल आए तब आपको पोजीशन एग्जिट कर लेनी है। सेल गलत है, बाई गलत है, सेल गलत है, सेल के पहले कोई डाउन साइड एरो नहीं है, बाई के पहले कोई अपर साइड एरो नहीं है, सेल के पहले कोई डाउन साइड एरो नहीं है, मतलब कि तीनों को तीनों सिग्नल गलत है, आप इसके अंदर काम नहीं कर सकते। तो ऐसी ही तरह आपको कोई भी दूसरी स्क्रिप्ट के अंदर अगर डेमो देखना है तो आप हमें कॉल करिए, हम उसका वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे या फिर आप कॉल करके लाइव डेमो देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।